गाइज अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ घर बैठे, और ये लोन मिलेगा मुझे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 36 महीने के लिए 15,666 रुपए की ईएमआई पर ये लोन मैं ले सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर। आप भी ले सकते हैं घर बैठे एक बड़ा लोन पूरे 9 लाख रुपए तक। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, आज आपको मिलने वाला है पूरे 9 लाख रुपए तक लोन घर बैठे। आपको यहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी करनी है, साइन एग्रीमेंट करना है, बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, लोन लेना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। कैसे और कहां पर ले पाएंगे आप ये लोन बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। पहले आप इस वीडियो को लाइक तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले गाइस, और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्टली आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है airtel.in। हां मैं बात कर रहा हूं एयरटेल की। क्या आपको पता है एयरटेल आपको पूरे 9 लाख रुपए तक लोन दे सकती है, और अगर आप एयरटेल के कस्टमर होंगे तो आपको और भी जल्दी यहाँ पर लोन मिलेगा। मैं वेबसाइट के जरिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी के पास एयरटेल का सिम हो। अगर आपके पास एयरटेल का सिम होगा तो आप एयरटेल एप्लीकेशन के जरिए भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आना है वेबसाइट पे, वेबसाइट पर आने के बाद दिखाई दे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा, ठीक है यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर देखिए आप अप्लाई फॉर पर्सनल लोन विद एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट। आप यहां पर 100% ऑनलाइन में यानी ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, और आपको यहां पर एक बड़ा लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा? 9 लाख रुपए तक। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो सुन लीजिए। देखिए यहां पर 100% डिजिटल प्रोसेस गाइस आपका यहां पर होने वाला है, केवल आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहां पर सबमिट करनी है, जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, और आपकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जहां पर पड़ेगी वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है, और तुरंत आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको लोन के लिए अप्रूवल मिलता है उसके बाद गाइस आपको आगे के स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी है और काम करने हैं, और तब आपको लोन मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। फ्लेक्सिबल ईएमआई आपकी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है फ्लेक्सिबल ईएमआई होगी, यानी बहुत ही कम इंटरेस्ट पे और ज्यादा दिनों के लिए आप यहाँ पर लोन ले पाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर देखिए गाइस एयरटेल पर्सनल लोन लैंडिंग पार्टनर की बात करें तो देखिये वो है एनबीएफसी। यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई से अप्रूव्ड एनबीएफसी है, ट्रस्टेड है, और एयरटेल से हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई धोखा तो होने ही वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं एयरटेल से, ट्रस्टेड एनबीएफसी से, केवल 3 इजी स्टेप में गाइस आप जो है यहां पर लोन ले पाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर लॉग इन करना होगा आपके मोबाइल नंबर से, सेकंड स्टेप के अंदर पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, और मैं आपको बता दूंगा जैसे आप पैन कार्ड की डिटेल देंगे तुरंत आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिलेगा। उसके बाद आपको केवल उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है और जो है आपको टेनर चूज करना है, और लास्ट में आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, लोन लेना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है देख सकते हैं ये योर लोन इज अप्रूव्ड। उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ईएमआई कैलकुलेटर। ये ईएमआई कैलकुलेटर आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस। ये क्यों है जरूरी? ये इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 महीना, या फिर आप 20,000 महीना कमाते हैं एक महीने में, और आप लेना चाहते हैं 5 लाख रुपए का लोन, आप लेना चाहते हैं 5 लाख रुपए का लोन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 5 लाख रुपए कर देते हैं, ठीक है आप 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, 5.5 कर देते हैं, और इस लोन को हम लेना चाहते हैं 36 महीने के लिए, तो यहाँ पर ईएमआई कितनी हो रही है 17,235 रुपए, जो ज्यादा है क्योंकि हमारी जो सैलरी है केवल 20,000 महीना है, हम 20,000 महीना ही कमाते हैं, 17,235 की जो सैलरी है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो आप उसी के हिसाब से लोन ले जितने की आपकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 50,000 महीना होगी, 50,000 महीना की आपकी इनकम है, तो आप आसानी से इस ईएमआई को पे कर सकते हैं। आप अगर चाह रहे कि भाई हम 17,000 रुपए की ईएमआई नहीं, हम कम पैसों की ईएमआई पे करना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्यादा दिनों के लिए इस लोन को लेना होगा, लेकिन आप जितने ज्यादा दिनों के लिए लोन लेंगे भैया उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट जरूर कर ले कि भैया हम लेना चाहते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन, ठीक है तो हम लेंगे इसको भाई 12 महीने के लिए तो 8,600 रुपए की ईएमआई हो जाएगी, जो कि आपकी सैलरी अगर 15,000 या 10,000 तो भर नहीं पाएंगे, तो उसको आप फिर बढ़ा लेना यहाँ पर। इसलिए ईएमआई कैलकुलेटर दे रखा भैया, पहले ही ईएमआई कैलकुलेट करके आप देख लो आपके सैलरी के हिसाब से कितने रुपए की ईएमआई आप पे कर सकते हैं, ठीक है तो ये जरूर कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स की, अगर आप एयरटेल में लोन लेते हैं आपको फीचर्स क्या मिलेंगे, तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई लोन कितना मिल सकता है, तो लोन मिलेगा आपको यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक, डिपेंड करते हैं आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर, आपके आप कितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। 9 लाख तक का लोन आप ले पाएंगे, ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 11.5% से, इससे ऊपर जा सकता है। आपको यहाँ पर 3 महीने और मैक्सिमम 60 महीने तक के लिए लोन मिलेगा गाइस, और 24 घंटे के अंदर लोन डिसबर्स हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, पेपर वर्क नहीं करना है, 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है गाइस वो लग सकती है 2% से लेकर 5% तक, प्लस उस पर जीएसटी भी आपकी यहाँ पर लगने वाली है।
अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में और भी बता रखा है। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल सा काम करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, जो इनके पार्टनर है लेंडिंग पार्टनर वो बहुत ही ट्रस्टेड लेंडर्स हैं, जिसमें डीएमआई फाइनेंस हो गया, आपको पता ही है सैमसंग का डीएमआई फाइनेंस है, उसके बाद मनीव्यू हो गया, उसके बाद एक्सिस बैंक हो गया, उसके बाद क्रेडिट सीजन इंडिया। ये चार ऐसे लेंडर्स हैं जो एयरटेल पर आपको लोन देने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, चाहे आप एयरटेल के कस्टमर हो चाहे ना हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे जो पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर यहां पर एयरटेल का है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा भाई, आपके लिए बेनिफिट यहां पर यह होगा कि आपको यहां पर जल्दी लोन के लिए अप्रूवल मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको डालनी है। तो गाइस जैसे मैंने यहां पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मुझे यहां पर बोल दिया थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, अभी हम आपको ये लोन नहीं दे सकते, हमारे जो लैंडिंग पार्टनर है अभी आपको लोन ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो गाइस क्या है कि मैंने यहां पर पहले लोन अप्लाई किया था, ठीक है, और उस लोन का मेरे रिजेक्ट हो गया था, इसलिए मुझे यहां पर वही दिखा रहा है। आपको यहां पर आगे के स्टेप कंप्लीट करने, आपको यहां पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल कंप्लीट फिल करनी है, पैन कार्ड डिटेल आपको देनी है, तुरंत आपको लोन के लिए ऑफर मिलेगा अगर आप एलिजिबल होंगे। अगर आपको लोन के लिए ऑफर मिलेगा तो आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद ये एग्रीमेंट करना है लोन के लिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर, बस ये काम आपको करना है केवल 3 से 4 ये स्टेप के अंदर। एयरटेल के अंदर कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, एयरटेल में आप घर बैठे लोन अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, आपके घर पे कोई नहीं आएगा डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, ऑनलाइन ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको लोन अप्लाई करके दिखाऊं एयरटेल से, तो कमेंट्स करके बोल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें आपको लाइव प्रूफ के साथ लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चलेगा मिलते हैं कल एक नए वीडियो साथ में।